वार्ड 61 जगतगंज से पार्षद प्रत्याशी अविनाश जायसवाल डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने पर जताई नाराजगी, वहीं बताया कारण जिस वजह से नहीं मिला टिकट। फोर्थ पिलर की टीम से अविनाश जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करेंगे दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य, सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी टीम वार्ड नंबर 61 जगतगंज में पहुंच चुकी है और हमारे साथ यहां से निर्दल प्रत्याशी अविनाश जायसवाल जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने के बाद पहला कार्य क्या होगा उनका, यह भी उनसे जानेंगे। आपको बता दें कि सपा से वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले थे पर उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं और जानेंगे उनसे क्या वजह रहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं अविनाश जायसवाल हूँ। काशी विद्यापीठ से छात्र संघ का चुनाव था, 2013 में जीता था। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ते हुए मैंने वकालत की पढ़ाई की। ये जो वार्ड नंबर 61 है, यहाँ पे हमारी लगभग मुझे लगती है कि 8वीं या 10वीं पीढ़ी होगी। यहाँ क्षेत्र की जनता से घर घर वाकिफ हूँ। पिछले साल भी मेरा पिछले चुनाव में 2017 था, तो उसमें मैं तैयारी कर रहा था, उसमें भी मेरा टिकट नहीं मिला। उसमें लोगों को लगता था ये बच्चा है। अभी इस बार फिर मैंने आवेदन किया तो उनका मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जिनका आवेदन नहीं था जी। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा दुख का बात रहा कि जो आवेदन करके लगातार पार्टी में संघर्ष किया उसको टिकट न दिया गया जी। टिकट उसको दिया गया जिसका कोई आवेदन नहीं था। तो मैं क्षेत्र में आगे निकल चुका था, जनता का समर्थन था, प्यार था। उनका कहना था कि अब हम आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे कदम हटाना मेरे लिए जायज है। आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े उतर रहे, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? ये हमारे क्षेत्र में पहला हमारा प्राथमिकता है कि अगर मैं चुनाव जीता हूँ या जीतता हूँ तो मैं चाहूँगा जो जनता के पास एक पार्षद जी लिख के लेटर देते हैं कि ये प्रमाणित किया जाता है नगर निगम से जो मिलता है, तो मैं इसको घर घर पहुँचाने का काम करूँगा। उनके घर पे जाके स्वयं लिखूँगा अगर मुझे वो सूचना देते हैं तो। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जैसे मैं बचपन में देखा था कि जिस गली में जाता था आज भी वो गली उसी तरह पड़ी है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, महिला के उनके सशक्तिकरण के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी योजनाएं जो होती है उनका भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल की जो योजनाएं आती है उसके बारे में भी नहीं बताया जाता है। वृद्धा विधवा पेंशन की हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, इनकी भी इसको कोई जानकारी ही नहीं है। क्योंकि कुछ नए क्षेत्र हमारे जुड़े हैं वहाँ पे और समस्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ काम करने का प्रयास किया जा कर रहे हैं कि उनका समस्या तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। और जिस गली में आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं हुई इसको भी किया जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि कई सारी योजनाओं का केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना है उनका यहाँ की जनता लाभ नहीं उठाई है और साथ ही साथ सड़क सीवर की भी समस्या है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक ये सारी चीजों पे काम नहीं हुआ है? अब ये कारण तो मैं नहीं बता सकता कि क्या कारण रहा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तत्काल प्रभाव से जल्द से जल्द इसको करवाने का काम करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मेरे पास ना डंडा है और ना झंडा है, मेरा परिवर्तन ही एजेंडा है। और परिवर्तन का दौर चल रहा है, परिवर्तन में युवा महिला यहाँ के बड़े बुजुर्ग और साथियों का पूरा सपोर्ट मिला, पूरा आशीर्वाद मिला है। मेरे जो प्रचारक हैं इनको घर घर जाके मना किया जा रहा है इसका प्रचार मत करो। मैं मोटरसाइकिल से हूँ ना, इसलिए क्योंकि बाकी पार्टियाँ तो बाकी जो उनका दल है या निर्दल है वो एक बार काम करेंगे, एक बार दौड़ेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल घर घर दौड़ के 4 बार काम करेंगे। ऐसे कौन लोग हैं जो प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहे हैं? कुछ सत्ताधारी हैं, कुछ ऐसे वैसे लोग भी हैं जो दूसरे पार्टियों के हैं, वो घर जाके मेरे समर्थकों को बता रहे हैं कि उनका प्रचार मत करो, मेरे साथ रहो, वो कुछ ही काम का नहीं है वगैरह वगैरह, इनका वही है। लेकिन अभी तक जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े उनका कुछ एजेंडा नहीं है, बस सम्मान सबका फंसा है जी। एजेंडा नहीं है, जनता को बताना नहीं चाहते या बताते ही नहीं है या खुद भी नहीं पता कि हम इस कारण चुनाव लड़ेंगे या इस कारण चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा मुद्दा है विकास का,
मेरा मुद्दा ईमानदारी का है। मैं विश्वास के साथ क्षेत्र में जाता हूँ और विश्वास के साथ लोगों का समर्थन और प्यार पा के आता हूँ। देखिए, आप एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य किया है, आपने क्या कुछ किया है अपने क्षेत्र के लिए वो भी हमें बताइए। क्षेत्र के लिए जनता के सुख दुख में मैं हमेशा से खड़ा रहा हूँ, मेरा परिवार खड़ा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि हमारी 8वीं 10वीं पीढ़ी है, मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का प्यार मुझे ऐसा मिलता है कि पुराना लड़का आया है हमारे घर, तो इस कारण थोड़ा सा ज्यादा लोगों से जुड़ाव है। मेरे जो परिवार के लोग हैं ये भी सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं, तो अब उसी को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, साफ तौर पर यही कहना है बार बार कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनने वाली और 80 से अधिक सीट लाएंगे, क्या कुछ उस पर कहेंगे आप? जी, मैं बनारस की 100 सीट है, सारे पार्टियों ने सारे कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा सा अजीबो गरीब खेल किया है। कुछ पैसे का मामला भी आया कि पैसे लेकर टिकट भेज दिया गया, जिसके साथ जो हुआ वो जानेगा। मैं निर्दल हूँ, मैं अपने वार्ड नंबर 61 का प्रत्याशी हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। जिसके साथ धोखा हुआ है मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि प्रयास करते रहिए, जनता आपको प्यार जरूर देगी। जनता क्या कुछ उम्मीद कर सकती है आपके क्षेत्रवासी आपसे, क्या कुछ उम्मीद करेंगे अगर आपको चुनते हैं तो? जनता की जो उम्मीद रहेगी वो विश्वास पे खरा उतरा जाएगा। इनका मैंने पहले बताया कि अगर आशीर्वाद रहा तो इनको परेशान नहीं किया जाएगा, इनकी एक सूचना पे उनके दरवाजे पे उनका बेटा, उनका नेता, उनका भाई, उनका सभासद खड़ा पाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों, क्या वोट अपील? वासियों से निवेदन करता हूँ कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है निर्दल मोटरसाइकिल, मेरा नाम अविनाश जायसवाल, ये सीरियल नंबर 6 पे है ईवीएम के, उस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दबाकर, ज्यादा से ज्यादा समर्थन देकर ईवीएम मशीन पे 6 नंबर दबाए और उनके सूचना पर, एक सूचना पर एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर इनकी समस्या मुझे प्रेषित होती है तो इनका समस्या के लिए मैं स्वयं खड़ा हूँ। जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ होगा आपका? जीतने के बाद मेरा पहला कार्य यही है कि जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ सीवर बह रहे हैं, जहाँ पेंशन नहीं मिलता है, जहाँ विधवा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, सरकारी स्कूल की जो योजनाएं रहती हैं प्राथमिक विद्यालय में ये बच्चों को नहीं मिल पाता है, ये बड़ा दुख की बात है। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारा चुनाव लड़ना बेकार है। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 61 जगतगंज से अविनाश जायसवाल, जिसे साफ तौर पर उनका ये कहना था कि समाज सेवी के रूप में तो वह अभी कार्य कर ही रहे, पर जीतने के बाद पहला कार्य जो होगा उनका वो क्षेत्र की जो जनता है उनकी समस्याओं का निवारण करना। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठ व फोर्थ मिरर न्यूज़।